प्रेज लॉर्ड। यह है पास्टर जॉन बरमराज मिरेकल कम्युनिकेशन चर्च से। आप सभी को आज मैं मिलने में बहुत आनंदित हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में वो सारे वस्तुओं से जो आपकी जीवन में जरूरत है वो सारे वस्तुएं आपको देखकर आपको सदा आनंदित रखे, खुश रखे। और इस अल्फा सीरीज वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे मुलाकात कराने में मुझे सहायता करते हैं, मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देता हूँ जो ये प्रभु के वचनों के द्वारा चलते हैं, सुनते हैं और दूसरों के जीवन में आशीष बनाते हैं। और आज के इस सुंदर परमेश्वर ने हमें वचन दिया है मत्ती सुसमाचार पुस्तक 6:33 मैथ्यू चैप्टर 6:33 जो आज के सुंदर आशीष के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है। वो वचन आज मैथ्यू चैप्टर 6:33 हमसे ये कहती है, But see, first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. मत्ती सुसमाचार पुस्तक 6:33 हमसे ये कहती है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म की खोज करो, फिर इन सारे वस्तुएं तुम्हें में दिया जाएगा। मेरे प्रियो, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उनका धर्म का खोज करो। एक प्यारा सा व्यक्ति था, उसे जहाज में जाने का बहुत इच्छा था, पानी का जहाज में, बट वो गरीब था। उसके कई सारे सपने थे। वो जब भी जहाज में जाने के लिए पैसे इकट्ठा करता था, रेट बढ़ जाती थी, वो पहुंच नहीं पाता था। एक दिन उसने अपने सारा जुनून इकट्ठा करके, अपने पेट काट कर उसने पैसे इकट्ठे की और वो जहाज पर पहुंचा और टिकट खरीदी। और करीबन 7,000 रुपए की टिकट थी, उसने खरीद ली। खरीदने के बाद उसने टिकट सबको जाकर दिखाया, मुझे टिकट मिल गया, टिकट मिल गया, टिकट मिल गया। और दूसरे दिन मुझे उसे जहाज पर जाना था, 1 महीने की सवारी थी, बहुत खुश था। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से हम भी इस संसार के दौड़ में बहुत खुशियां मनाते हैं, कई सारे गाड़ी खरीदने में, घर खरीदने में, ये सारे चीजों खरीदने में बहुत खुशियां मनाते हैं। जब मिलती भी है तो हम बहुत आनंदित होते हैं। खरीदने के बाद जब वो जहाज में दूसरा दिन जाना था, उसे ऐसा लगा 1 महीना जहाज में तो जा रहा हूं लेकिन खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। उसने अपने दोस्त से 200 रुपये उधारी ली और उसने 1 महीने के सवारी में खाना खाने के लिए 200 रुपये उधारी ली और उसने 2 बैग भर के पाव खरीदा और जहाज पर चला गया। जहाज पर पहुंचते ही मेरे प्रियो, जैसे दोपहर का लंच टाइम हुई, बेल बजती है, सब कैंटीन की तरफ जाते हैं, लेकिन ये बेसहारा और ये लाचार इंसान अपने बैग रखी हुई जहाज के कोने में गया, वहां पर पानी लिया और वो पाव खाया। दोपहर को खाया, शाम को लंच टाइम में खाया, इवनिंग रात के खाने में सब लोग कैंटीन में गए, दबा दबा कर खा रहे थे, लेकिन ये अपना पाव खा रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, बेबस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। और वो 200 रुपए में लाए हुए पाव खा रहा था। 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, 5वें दिन पाव कड़क हो गया, खा नहीं पाया, बैठकर वो तकलीफ उठा रहा था। इसे एक आदमी, एक बुजुर्ग आदमी बैठकर ध्यान से देख रहा था। जब 5वें दिन के दोपहर को जब लंच टाइम का जो अलार्म बजा, सब कैंटीन की तरफ जा रहे थे और ये इस तरफ जा रहा था, उस आदमी ने उसको बुलाया, इधर आ मेरे भाई, तू उधर क्यों जा रहा है? तो उसने कहा, मैं बेबस और लाचार और गरीब इंसान हूं, मेरे पास संसार की आशीष नहीं है, जहाज में आने की इच्छा थी लेकिन पैसे नहीं थे, तो मैंने पाव खरीद कर लाए, 5 दिन में पाव कड़क हो गया, आज मुझे खाने की कुछ नहीं है। उसने बोला, अपनी टिकट दिखा। जैसे उसने टिकट दिखाया, उसने टिकट निकाल कर पढ़ा और उस इंसान को बाजू में बुलाया और उसे कहा, अरे मूर्ख बेवकूफ इंसान, ये टिकट को ध्यान से पढ़। जैसे उसने टिकट को ध्यान से निकाल कर पढ़ा, पीछे के बाजू में लिखा था, अगर 7,000 रुपये देकर तुम टिकट खरीदोगे तो 1 महीने के खाने, नाश्ता और रात का खाना सब कुछ उसमें मुफ्त में दिया जाता है। जैसे उसे पता चला कि ये सब चीजें मुफ्त में, जैसे अलार्म बजा, सबसे पहला खुदा कैंटीन में गया और जी भर के खाया और धन्यवाद दिया परमेश्वर को। मेरे प्रियो, आज हम में से कई सारे लोग हैं चंद खुशियों को पाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं और अपने आप को कमजोर, बेबस, लाचार समझकर दुनिया में टुकराए गए इंसान की तरह डर डर कर जीते, क्योंकि मेरे प्रियो, हम परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर टिकट व्यवस्था पवित्र शास्त्र को हम ध्यान से नहीं पढ़ते। इसमें लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धर्म की खोज करो, फिर सारे वस्तुएं जो गाड़ी, घर, गहना, खुशी, पैसे, बैंक बैलेंस, ये सारे चीजें परमेश्वर तुम्हें मुफ्त में दे रहे। लेकिन हम मुफ्त में मिलने वाले चीजों के पीछे जाकर जान गवाते हैं, लेकिन मुफ्त में चीजें देने वाले उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपसे, मुझसे एक बात कहते हैं,
हमें जो वचन दिया है परमेश्वर शास्त्र दिया है, इस स्वर्ग का टिकट दिया है, इसे ध्यान से पढ़े, इसे सीने से लगाए और इस वचनों का पालन करे, उस परमेश्वर से प्यार करे। आपका आज का दिन ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हर दिन में वो सारे वस्तु आपके पास रहेगी जो आपको जरूरत है। प्रियो, उस मूर्ख इंसान की तरह पाव खाकर जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए परमेश्वर ने संसार में सब आशीषें रखी है, वो सिर्फ तुम्हारी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं प्रभु इन महान सारे विश्वासियों के लिए जो आज अपने आप को कमजोर, लाचार और बेबस समझकर परमेश्वर रहते हैं। आज आपका वचन कहता है ये सारे संसार की आशीषें मैं तुझे मुफ्त में दे रहा हूं, बस तुझे विश्वास करनी है और मेरे नाम पर तुझे चलना है। तो आज जो कोई इस वीडियो को देखकर अपनी जिंदगी बदलकर हाथ में दिया हुआ इस स्वर्ग का टिकट, हाथ में दिया हुआ इस संसार का आशीष के टिकट को, इस वचन को, इस पवित्र शास्त्रों को अच्छे से पढ़ेंगे और उसका पालन करेंगे और आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, उनको कोई भी खुशियों की कमी नहीं होगी। आज ये शुरुआत आप बेहतर शुरुआत दे रहे हो, इसलिए धन्यवाद। सबको सुख देना, सबको समाधान देना, सबको आशीष देना, खास करके आप जो जन्मदिन मना रहे हैं या शादी के सालगिरह मना रहे हैं, उन सारे बच्चों के जीवन में प्रभु ये आशीषें मुफ्त में लागू, सबकी जीवन बदल जाए। यीशु के पवित्र मीठे मधुर नाम से आमेन, आमेन, आमेन। प्रियो, इस अल्फा सीरीज वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कई सारे लोगों को भेजकर ये सेवा कीजिए। हमें ये सारे संसार की चीजें परमेश्वर आपको मुफ्त में देंगे। जय मसीह की, जय यीशु की। परमेश्वर आपके साथ। God bless you.